ट्रेडर को डर सिर्फ तभी लगता है या तो उसको अपना स्टॉप लॉस नहीं पता है या फिर उसकी क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी है। हेलो दोस्तों, जैसे नीतिश पाठक सेबी रिसर्च एनालिस्ट है, मैं फुल टाइम ट्रेडर, ट्रेनर, मेंटर, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ आर्यन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइंडसेट एंड टेक्निकल सेटअप को कैसे कंपाइल करके एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। एंड में जाकर के मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जिसके आधार पर आप एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आप सही स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली टेक्निकल सेटअप के अंदर में आपका एंट्री होगा, टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। साथ के साथ में आपको कुछ एक और चेक्स देखने हैं जिस चेक में आपको पता करना है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस कितने होते हैं या फिर सीरीज ऑफ लॉसेज जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है जानना। जब आप इस सीरीज ऑफ लॉसेज को जान लेते हो ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करती है किसी सेटअप को अच्छा बनाने में। सीरीज ऑफ लॉसेज का मतलब क्या हुआ कि लगातार आपके कितने 1, 2, 3 कंसिस्टेंट ट्रेड्स के अंदर में लॉसेज लगते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा सबसे बड़ा जो आपका कैपिटल लॉस होने वाला है वो सीरीज ऑफ लॉसेज वाली ट्रेड्स में ही होगा। जब आपको ये सीरीज ऑफ लॉसेज पता पड़ जाते हैं इसके आधार पर आपकी क्वांटिटी डिसाइड होती है किसी भी टेक्निकल सेटअप के अंदर। एक बार जब आप क्वांटिटी को फिक्स कर लेते हैं उसके बाद में आप सेटअप को कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज नो सेटअप व्हिच हैज 100% एक्यूरेसी रेट। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जाकर के आपको वो सेटअप लॉस देगा और जब भी लॉस देगा तो आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे और जब ये इमोशंस ट्रिगर होंगे वहीं से गेम स्टार्ट होगा इमोशंस का। प्रॉफिट होना सबको अच्छा लगता है लेकिन जब भी आपका लॉस होगा उस टाइम आपका जो अच्छा खासा सेटअप था उसको आप स्पॉइल करने लग जाओगे और जब भी सीरीज ऑफ लॉसेज होंगे उसके बाद में आपकी क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी या आपके जो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट्स थे या टारगेट या एंट्री और स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ आप चेंजेस करने लगोगे। 99% और 97% लोग ऐसा ही मार्केट में मेजॉरिटी करते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए इसको आप अच्छे से समझो। बेसिकली जो मैंने पॉइंट समझाया था टेक्निकल सेटअप के अंदर में कि सीरीज ऑफ लॉसेस जिसके बेसिस पर आप क्वांटिटी को आधारित करोगे, अब यहाँ आपको एक चीज और समझनी है कि जो सीरीज ऑफ लॉसेज जब आपके हो रहे हैं तो आपका माइंड सेट कितना लॉस लेने की कैपेसिटी रखता है। प्रैक्टिकली विद योर कैपिटल उतना लॉस लेने के बाद में भी आप सेम क्वांटिटी को फिर से कंसिस्टेंटली कर पाओ उतनी ही क्वांटिटी आपको रखनी है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है आपके मेंटल लेवल को स्टेबल करने के लिए। ट्रेडर को डर सिर्फ तभी लगता है या तो उसको अपना स्टॉप लॉस नहीं पता है या फिर उसकी क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी है। तो आपका सेटअप आप पहले ही देख चुके हो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग कि आपकी जो क्वांटिटी होगी सीरीज ऑफ लॉसेस के आधार पर भी आपका मेंटल लेवल जो आपको पीसफुल माइंड बोले कि मेरा इतना क्वांटिटी ही होना चाहिए, दिस इज दी थिंग आपको बहुत क्लियरली समझनी है कि आप इतनी ही क्वांटिटी रखोगे। आपका सेटअप हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, क्वांटिटी हो गई, सब कुछ कंबाइंड हो गया, मेंटल लेवल भी बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज ओनली वन थिंग, कंसिस्टेंसी। अब जब ये कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करोगे आई कैन वेट यू वंडर्स होने वाले हैं आपके साथ। एज अ ट्रेडर मुझे बहुत टाइम लगा इन चीजों को समझने में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे से जुड़े हुए लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें, इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि मैं आपके साथ में अपनी नॉलेज को शेयर कर पाऊँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा सो डेट आप मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से देख पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।